Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पच्चीस जनवरी दो हज़ार तेईस का द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिस देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डो लाइक इट देखो कंटेंट अच्छा लगेगा ही तो लाइक पहले ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ तो पहला सवाल है डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डन प्लेट्यू रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज इट फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ ऑफ मेजर हिल्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही कि गलत दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड ग्रेनाइटिक रॉक्स तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है अब देखो आंसर मैं आपको बता दूँ तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि ये लीवर्ड साइड में लाई करता है ना कि विंडवर्ड साइड में तो दैट इज द फर्स्ट थिंग इसलिए ये सेमी एयरिड रीजन है डकन प्लेटू जो है एक सेमी एयरिड रीजन है इस तरह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ होती नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट क्योंकि जो कोर है ग्रेट हिमालयाज का वो ग्रेनाइटिक uh, कोर है ये हम सबको पता है सो दैट इज अ थिंग ठीक है ना दूसरा सवाल है सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर्स आपको बताने किसका पार्ट है ऑप्शन आर द जस्कर द शिवालिक द काराकोरम एंड द लद्दाख तो सियाचिन ग्लेशियर आपको बताना है किसका पार्ट है ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ द काराकोरम रेंजेस शिवालिक सॉरी सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम uh, रेंजेस का हिस्सा है तो ये आपको याद रखना है इट इज़ सोर्स ऑफ फिफ्टी मीटर लॉन्ग फिफ्टी माइल लॉन्ग नुब्रा रिवर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है नुब्रा रिवर लगभग पचास मील की रिवर है ये नुब्रा रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर ठीक है ना तो नुबरा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर विच इट सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम तो फिर ये किसका पार्ट है आगे जाकर के ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है ठीक है तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल इसको याद रखेगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं तीसरा सवाल है मेघालिया प्लेट्यू इज अ हाईली इरोडेड सर्फेस एंड सम प्लेसेज आर डिवाइड ऑफ वेजिटेशन आपको बताना है कि मेघालय प्लेट्यू क्यों ऐसा है कि वो हाईली इरोडेड सर्फेस है उसका और कुछ प्लेसेस उसके वेजिटेशन से भी परे हैं तो आपको बताना है कि क्या इसका प्रॉबेबल रीजन हो सकता है द ऑप्शन आर देयर फॉर यू पहला ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई फ्रीकुंट प्लेट मूवमेंट्स डिस्टर्ब बाय फ्रीकुंट प्लेट मूवमेंट सेकंड सिंग इट रिसीव्स मैक्स maximum rainfall uh, from the monsoon. थर्ड है इट इज अ रीजन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मिनरल्स एंड फोर्थ है इट इज अ वॉलकैनिक जोन विच ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट रिस मैक्म रेनफॉल फ्रॉम द मॉनसून क्योंकि ये जो रीजन है मेघालय चेरापूजी मौसन राम ये वाला रीजन है बहुत ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन की क्यों यहाँ पर आपको uh, इतना ज़्यादा इरोडेड सर्फेस दिखा बारिश के कारण दिखता है इरोडेड सर्फेस इतना ज्यादा दैट इज द आंसर फॉर दैट आई होप यू गॉड क्लैरिटी तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे आगे मूव करते हैं पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं सबसे पहला मिशन लाइफ पवेलियन टू बी सेटअप एट भारत पर मिशन लाइफ आप सबको पता है इंपॉर्टेंट ये है कि मिशन लाइफ मतलब कि आपके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आपको करने हैं फॉर सस्टेनेबल लिविंग है ना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए क्या आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं मिशन लाइफ उसी के लिए है uh, मतलब कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए क्या आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर मैसेज यही है मिशन लाइफ का जो पवीलियन बनाया गया है भारत पर इवेंट के लिए द मैसेज इज सेम दैट द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज सेटिंग अप दिस पवेलियन ऑन द थीम ऑफ मिशन लाइफ तो याद

ठीक है जैसे कि देख भी सकते हैं द थीम ऑफ मिशन लाइफ हैज़ टू सेंसिटाइज एंड एजुकेट द मासेज ऑन लाइफ एक्शंस विच कैन प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग ठीक है ना ऐसे एक्शंस प्रमोट करना विच कैन प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग ठीक है ना एंड विच कैन हेल्प इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज ठीक है ना तो काफी इंपॉर्टेंट है ये याद रखेगा Uh, दूसरी जो न्यूज़ आइटम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन ट्वेंटी फोर्थ जनवरी तो चौबीस जनवरी दो हज़ार तेईस को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको वो सेलिब्रेट uh, करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखिएगा चौबीस जनवरी दो हजार तेईस जो था कल का दिन जो था उसको सेलिब्रेट किया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन एंड दिस इज टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड टू ब्रिज द जेंडर डिवाइड एंड टू लेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एम है द एम इज टू द एम इज टू ब्रिज द जेंडर डिवाइड एंड टू ले इम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ठीक है ना गर्ल्स के एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रति सजगता फैलाने के लिए है तीसरी जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन जो है आज के दिन यानी कि ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे थर्टीथ नेशनल वोटर्स डे तो तेरहवा नेशनल वोटर्स डे जो है वो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल विद चीफ गेस्ट एंड ये सेलिब्रेट किया जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थर्टीनथ नेशनल वोटर्स डे तो वोटर्स डे पच्चीस जनवरी के दिन होता है थीम इस बार की जो रखी गई है वो है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर द थीम इज़ नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर Sure, so that is the thing which is important. आगे मूव करते हैं एक नई डिसीज़ के बारे में नई तो नहीं पुरानी डिसीज़ है लेकिन हो सकता है आज अभी न्यूज़ में थी इसलिए मैं आपको बता दूं पीसीओएस के बारे में लिखा हुआ है पीसीओएस का मतलब होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है ना पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक मल्टी मल्टी फैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है इट इज़ ए एंडोक्राइन डिसऑर्डर डिसऑर्डर रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो उससे रिलेटेड है पी सी ओ एस पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं इसको एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय क्रॉनिक एनोव्यूलेशन you <laughs> क्रिक एनोव्यूलेशन uh, uh, होता है इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं हिस्टुज हिस्टोटिज्म रहता है वेट गेन होता है दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पी ठीक है ना इेगुलर पीरियड्स हिस्टूस हिस्टोसिटेटिज्म वेट गेन दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ पी सी ओ एस एंड इट इज़ द मोस्ट प्रिवेलिंग फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड प्री एमिनेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग फीमेल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ऑबियसली बात यह फीमेल्स के साथ ही रहता है और इसमें ये बहुत बड़ा कॉज है एक इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कॉज है मतलब जो प्रेगनेंसी या नहीं हो पा रही या ऑल दीज रीजंस आर देयर तो पी उसका बहुत बड़ा रीज़न है ठीक है ना एंड Uh, ये इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है इस समय ये बहुत सारी चीज़ों के कारण होता है uh, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के कारण हो सकता है सीडेंट्री लाइफ के कारण हो सकता है डाइट के कारण हो सकता है ओबेसिटी के कारण हो सकता है दीज आर द डिफरेंट रीजन्स वाई दिस पी सी ओ है ना तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंस को याद रखेगा एंडोक्राइन डिसऑर्डर है एंड दीज आर द थिंग्स आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो फ्रंट पेज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग इन रिवीलिंग सेंसिटिव रिपोर्ट्स अब ये आपके जो किरण रिजिजू है उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आईबी और रॉक की रिपोर्ट जो सेंसिटिव रिपोर्ट्स से हैं उनको पब्लिक डोमेन में ला करके रिवील कर देता है क्यों रिवील करता है कब रिवील करता है मैं आपको इंस्टेंस बता देता हूं अभी हुआ क्या होता क्या है देखो जब किसी का अपॉइंटमेंट होना होता है बड़े पोस्ट पे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या कोई जज बनना चाहता है या कोई जज बनने वाला है तो उसके फिर पीछे एक बैकग्राउंड चेक होता है वो बैकग्राउंड चेक कौन करता है वो बैकग्राउंड चेक करता है आईबी करता है ठीक है ना अब आई बी ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेक करेगा तो गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजेगा उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा ठीक है तो अब क्या हुआ मान लो गवर्नमेंट ने कभी अगेंस्ट डिसीजन ले लिया तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फिर उस उस रिपोर्ट को जो आई की रिपोर्ट रही होती है उसको फिर पब्लिक डोमेन में रिलीज कर देता है ठीक है तो बेसिकली वही चीज किरण रिजिजू का है कि भाई अगर आप आईबी और रॉ की जैसे रिपोर्ट्स हैं उनको आप अगर रिलीज करोगे तो फिर इन संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा दीज विल मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा ना क्योंकि यही तो मेन चीज है उनका रिपोर्ट देना और वो रिपोर्ट हिडन uh, रह के काम करें तो ज्यादा बेटर है तो दिस इज वट हैज बिन रेज बाय किरण रिजिजू एंड दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि अगर हम एनजेएसी के बारे में कमेंट करते हैं गवर्नमेंट अगर एनजेए के बारे में कमेंट कर रहा है तो इट इज नॉट लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी जैसा कि जुडिश्री बार

मास uh, मोर्टेलिटी देखने को मिली है ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन द आंध्र प्रदेश रीजन आंध्र प्रदेश में दो रीजन है दो रीजनस हैं याद रखिएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहीं पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और होप आईलैंड ठीक है ना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी uh, होप आईलैंड जो कि है यहाँ पर आप देख रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ वलरेबल ऑलिव रिडली टर्टल्स जिसको लेपिडो चेलिस ओलिवेसिया बोलते हैं लेपिडो चेलिस ओलिवेसिया बोलते हैं एंड दे हैव वॉस्ड अ शोर अलॉन्ग द कोस्ट लाइन बिटवीन काकीनाडा एंड अंतरवेदी इन द गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द ऑन गोइंग एनुअल ब्रीडिंग सीजन ये एनुअल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है अब जो ब्रीडिंग होती है इनकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो इनकी ब्रीडिंग होती है ऑलिव रिडली की ये एक साथ मांस मांस नेस्टिंग करते हैं मांस उसको बोलते हैं अरी बाड़ा याद रखें ये टर्म लिख लीजिए अरी But this is the mass nesting of the olive Ridley Turtles. So that is the thing which is important. देखो कई लोग इन्वामेंटल एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं कि उनका जो मास मोटेलिटी वाले रेड़, टेटर्स की देखी जा रही है जो इसमें सखीनेटी पल्ली मलिकीपुरम ये सब रीजन्स में जो देखी जा रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट्स बहुत सारी ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट्स हैं उनका ऑयल जाके बह जाता है और एन की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से वाटर जो है वो पल्यूशन हो रहा है उसका एंड जो ये वेस्ट है वेस्ट वाटर है दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स वाई ये इनकी मोटेलिटी के रीज़न्स है तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट आई होप

अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है अभी रिसेंटली जो जगदीप धनकर जी ने आ, कहा है कि आ, जो लेजिस्लेचर है वो सबसे सुप्रीम है बाकी कोई सुप्रीम नहीं है क्यों क्योंकि लेजिस्लेचर को आ, कौन सेलेक्ट करता है द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है ना तो ये पहले आप लिख लीजिएगा ये जीएस एस एस टू में आप लिखेंगे दिस इज द जी एस टॉपिक एंड इट इज़ अ टॉपिक ऑन द कन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट पिलर्स ऑफ द इंडिया जैसे कि यहाँ ये कन्फ्लिक्ट है किसका लेजिस्लेचर और जुडिशरी का ये कन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पर आप इस तरीके से हेडिंग

ठीक है ना तो दैट इज द फर्स्ट थिंग अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि देखो वी द पीपल इंक्लूड्स नॉट ओनली द लेजिस्लेचर बट इंक्लूड्स आल्सो द जुडिशरी इट इंक्लूड्स आल्सो द एग्जीक्यूटिव इट इंक्लूड्स आल्सो द मिलिट्री इट इंक्लूड्स आल्सो द पुलिस इट इंक्लूड्स आल्सो द पब्लिक इट इंक्लूड्स आल्सो द प्राइवेट एंटरप्राइजेस दे आर ऑल पीपल दे आर नॉट लेस देन दैट अब गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर ये क्यों करने पर तुली हुई है कि एवरी इज लेस एंड ओनली द लेजिस्लेचर इज सुप्रीम

इसके बाद जो ऑथर है उसने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज़ द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी याद रखिएगा उन्होंने कहा जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज़ द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर ना रहे अगर ये चेक्स एंड बैलेंस ना रहे तो डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो डेमोक्रेसी है उसका कोई मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा इसके बाद ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल लिए जैसे यूके का एग्जाम्पल ऑथर ने लिया है कि यूके में जब स्पीकर आता है सेलेक्ट होकर के तो उसके बाद वो अपनी

आप लिख सकते हैं पहले दो स्पीकर होते जीवी मावलांकर एंड एम अनंत अयंगर लेटर नीलम संजीव रेड्डी रूलिंग पार्टी टू गिव द इंटायर पार्लियामेंट ऑफ इम्पार्शियलिटी तो ये चीज ऑलरेडी कर चुके लेकिन ये कस्टम बन नहीं पाया हालांकि इंडिया में आ, स्टार्ट जरूर किया था जीवी मावलांकर ने और एम अनंत सैनम अयंगर ने तो दैट वॉज देयर इंटेलेक्ट की उनको यह पता था कि भाई अगर मैं सिलेक्ट हुआ हूं एज अ पोस्ट विच शुड बी इम्पार्शियल विच शुड बी न्यूट्रल तो मैं अपनी पार्टी छोड़ दूं है ना बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है अभी भी लोग उसी पार्टी के कहलाते हैं चाहे वो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो चाहे स्पीकर ऑफ आफ... Uh, चाहे आप राज्यसभा के हों तो दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट द रिलेक्टेंस मतलब अब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑथर ने यहाँ बताई है इसके बाद ऑथर ने बताया कि जुडिशरी के ऊपर जो ऑन स्लॉट किया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली एक तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि बाई कन्फ्यूजिंग दैम बाय सेंगट कि देखो हम तो लोगों द्वारा सेलेक्ट हुए हैं फिर भी हमारी बात तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है लोगों द्वारा सेलेक्ट हुए हैं फिर भी हमारी बात यहाँ पे ये नहीं मान रहे हैं दीज आर ऑल ड रिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये सारी चीज़ें

स्टेट गवर्नमेंट क्या विल ऑफ द पीपल नहीं है क्या स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द द पीपल पीपल क्या ये के के लोग या के लोग या वेस्ट बंगाल आर लेस देन ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री तो दिस इज वॉट द क्वेश्चन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप उस पोस्ट पर रहते हो तब तो आपने कोई बिल पास नहीं होने दिया तब आपने इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए बट नाउ यू आर सोइंग दैट दिस इज द विल ऑफ द पीपल दिस दिस एंड दैट एंड दैट है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल तो ऑथर ने वही कहा है दिस इज अ वर्चुअल वॉर इन कंट्री नाउ बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन द स्टेट एंड गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर जो सेंटर के जो गवर्नर्स होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान टसल में चल रही हैं इन आप बहुत सारे स्टेट्स में देखोगे तमिलनाडु में आप देखोगे कहीं और केरला में आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एंड द बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से नहीं बोलता है कि गवर्नर जो है उस तरीके से आ, या तो सेंटर का सबॉर्डिनेट है यावर् गवर्नर इस तरीके से मतलब एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छोड़ सकता है तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर तो ऑथर ने वही कहा है कि जो ये सारी चीजें टसल जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश है ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नीचे दिखा रहा है इसको नीचा कर रहा है और किसी और चीज़ को नहीं कर रहा है ठीक है ना तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑथर ने वही चीज़ बोली है कि कुल मिला करके हमको एक ऐसा स्टेट चाहिए जहाँ पे तीनों पिलर्स जो हैं चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे जुडिशरी हो ये अच्छे से काम करें मिल के काम करें ना कि एक दूसरे के साथ टसल में रह करके काम करें वहीं पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज़ बिन मैंशन आज 25 जनवरी है आज नेशनल टूरिज्म डे भी है इसको लिख लीजिएगा नेशनल टूरिज्म डे भी है अब ऑथर ने बल्कि बेसिकली ये आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिल करके टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप करके जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज निकाला है ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जगन्नाथ यात्रा टूरिज्म पैकेज निकाला जो दिल्ली से शुरू होगा काशी बैद्यनाथ धाम जगन्नाथ भुवनेश्वर कोणार्क एंड विष्णुप टेम्पल जो गया में है वहां पर जाकर एंड होगा एंड इट विल बी लिंक्ड टू यूजिंग भारत गौरव ऑफ ट्रेन भारत गौरव ट्रेन कौन से है? थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है जो कि इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री को शोकेस करेंगे इसके अलावा और भी मिनिस्ट्रीज हैं जो मिलकर के अलग अलग चीजें कर रही हैं फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस मतलब कि टूरिस्ट स्पेसिफिक पुलिसिंग को प्रमोट करने के लिए विच वॉज एम्ड एट वर्किंग विद द पुलिस एंड सेंसिटाइजिंग दम ऑन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द फॉरन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब पुलिसिंग को इतना सेंसिटाइज करना कि वो टूरिस्ट की नीड को नीड को भी समझें ठीक है ना एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी स्टार्ट किया है हैव बेसिकली स्टार्टेड युवा टूरिज्म क्लब्स टू नर्चर द यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म युवा टूरिज्म क्लब्स को न, बनाया जाएगा एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज है इट इज एमिंग टू मेक इंडिया एन अट्रेक्टिव क्रूज टूरिज्म

टूरिज़्म पॉलिसी की बात की है तो ऑथर ने कहा कि देखो ये सारे स्टेप्स काफ़ी नहीं है अभी एक द न्यू ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 लाई गई है विच एम्स टू डू दिस है ना टू डू जस्ट दिस है ना केवल इतना काफ़ी नहीं रहेगा uh, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस लाने से काम नहीं चलेगा uh, मतलब पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी आपको दूसरे सिचुएशनल एनालिसिस करने पड़ेंगे और वो इस पॉलिसी में किए गए हैं ठीक है ना दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है इंस्टीट्यूशन की बात की गई है देन कोविड नाइन्टीन के इम्पैक्ट को समझा गया है और फ्यूचर में कैसा टूरिज्म सेक्टर आपको रखना है उसका भी रखा गया है मतलब इन विजन इंडिया एट हंड्रेड करके टूरिज्म सेक्टर का विजन रखा गया है तो इसमें बहुत सारी चीजें के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाएगा यूनियन के साथ स्टेट के साथ लोकल गवर्नमेंट के साथ एंड uh, सारी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अप्रोच लगेगी ऑल दिस थिंग्स आर देयर तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट स्पेशली जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी so है तो अभी बहुत सारे लोग आएंगे इंडिया तो ऐसे में और ज्यादा हमको प्रमोट करने की आवश्यकता है वॉट एल्स द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अब आप सबको तो पता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल पहले बहुत पहले 2016 में दे दिया गया था लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है वॉट आर द रीजन फॉर दैट सबसे बड़ा रीज़न इसमें यह कि जो अप्रूवल दिए गए थे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ऑल उसको बोला गया कि ये अल्ट्रा वायरस है ये परमिशन होनी ही नहीं चाहिए थी क्यों नहीं होनी चाहिए थी वो मैं आपको बताऊंगा अब पहले तो याद रखेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक करने का प्रोजेक्ट है एंड ताकि जो पानी है वो बुंदेल रीजन जो है उत्तर प्रदेश में वहां तक पानी पहुंच पाए केन uh, बेतवा लिंक विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैनल दैट विल बी फेड बाय न्यू दोधान डैम ऑन द केन केन के ऊपर एक दोधान डैम है विच विल बी बिल्ट विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का भी इसमें लैंड लगेगा और पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट उसमें सम्मर्ज भी कर जाएगा ठीक है ना एक मेगावाट का हाइड्रोलैक्ट्रिक पा पावर भी जनरेट होगा दौधान डैम से द लिंकिंग कैनाल विल फ्लो थ्रू छतरपुर टीकमगढ़ एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट तो छतरपुर टीकमगढ़ और झांसी डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा uh, दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिगेट सिक्स पॉइंट थ्री लैख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एवरी ईयर इतना लैंड ये uh, वो करेगा uh, अब देखो यहाँ पे जो इन्वायमेंटलिस्ट हैं और जो बहुत सारे लोग हैं दे आर कंसर्न बिकॉज द प्रोजेक्ट विल इंडेंजर द वाटर मतलब जो ये प्रोजेक्ट uh, है इट विल इंडेंजर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ पन्ना इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा ने दो हज़ार अट्ठारह में कहा था द आइडिया इज अ नॉन सेंस क्यों क्यों कहा था नॉन सेंस क्योंकि दिस इज बेसिकली अ थ्रेट टू पन्ना टाइगर रिजर्व दिस इज अ थ्रेट टू इको सिस्टम थ्रेड टू बायोडावर्सिटी तो ये ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या क्लियरेंसेज मिल चुकी हैं केन बेतवा लिंग प्रोजेक्ट को तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू लाया गया था जिसमें कुछ प्रोविजन्स हैं सेक्शन अट्ठारह सेक्शन पैंतीस जो कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाने की बात करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दे आर प्रोहिबिटेड विदाउट अप्रूवल इनसाइड दीज रीजनस एंड यहाँ जो हालांकि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसने पन्ना टाइगर रिज़र्व को जरूर ये परमिशन दे दी बट ये सब गलत है क्योंकि पन्ना टाइगर रिज़र्व जो है एक एक बहुत सेंसिटिव जोन है और जो डाउनस्ट्रीम है इस नेशनल पार्क का वहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड गैंगेटिक घड़ियाल्स को गवियालिस गैंगेटिकसयाल लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि जो डाउन है इसका पन्ना टाइगर रिज़र्व का नेशनल पार्क का वहाँ पर केन घड़ियाल भी है और केन घड़ियाल प्रोटेक्ट करती है घड़ियाल को, तो यहां पे कि अगर आप डैम बना देते हैं, और आप इस तरह के करते हैं तो ये पूरा रीजन जो रहेगा ये बहुत ज्यादा खतरे का रीजन बन जाएगा विच विल बी थ्रेट टू केन घड़ियाल सेंचुरी एज वेल एज पन्ना टाइगर रिजर्व सो द प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द क्लियरेंस हालांकि फुल फॉरेस्ट क्लियरेंस उसको नहीं मिला है हालांकि अभी लेकिन इसको जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसका क्लियरेंस दिया जा चुका है तो ऑथर ने कहा कि वो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस है वो अल्ट्रा वायरस है दैट इज़ अल्ट्रा वायरस तो इसी कारण से केन बेतवा लिंक को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है दीज आर द थिंग्स विच आर देयर है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट यहाँ पे इसका एक सल्यूशन जरूर लिखा है वो जरूर देख लीजिएगा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप बुंदेलखंड के जितने भी चंदेल पीरियड के लेक्स थे पॉइंट्स थे अगर आप उनको दोबारा रिवाइव कर सकें प्रायोरिटी पे रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ज़्यादा अच्छा अच्छा रहेगा ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट्स एंड ऑल ठीक है ना तो ये चीज़ जरूर यहाँ पे कही गई तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे देखते हैं मूव करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ सिक्सटी फाइव पेट्रोल पॉइंट्स तो इंडिया को छब्बीस पैंसठ में से छब्बीस पेट्रोल पॉइंट्स की एक्सेस अब नहीं है अब ये कहाँ पे नहीं है ये ईस्टर्न लद्दाख की बात चल रही है और ये प्ले से अप्रोच जो है इंडियन आर्मी की उस कारण से ऐसा हुआ है कि बफर जोन्स क्रिएट होती जा रही है भाई चाइना और इसकी देखो चाइना और इसकी लड़ाई होती है अब इंडिया वाले क्या कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट का अप्रूवल है नहीं तो भाई प्ले सेफ प्ले सेफ प्ले सेफ कर रहे हैं तो प्ले सेफ के कारण दोनों ये नहीं कि चाइना उसको लेता जा रहा है बट वो जो हमारे पेट्रोल पॉइंट्स आगे थे वो हम पीछे होते जा रहे हैं ठीक है तो ये रीजन जो है बफर जोन बनता जा रहा है यहाँ पे कोई नहीं है अब बफर जोन बनेगा तो हम तो अपना लैंड लूज कर रहे हैं ना चाइना नहीं कर रहा हम अपना लैंड लूज कर रहे हैं तो ऑथर ने कहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये चाइना की जो मेथडोलॉजी है चाइना की जो ये टेक्निक है द टैक्टिकी एल ए टू ग्रैप द लैंड इंच बाई इंच ये लिख लो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द ऑफ द टैक्टिकल ए उनकी पी एल ए आर्मी है चाइना की द द ऑफ दैक्टिकैप दिन

पर्स सीन फिशिंग पार्शली अलाउड आउटसाइड तमिलनाडु वाटर्स तो अब बारह नाटिकल के बाहर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पर्स सीन फिशिंग को लेकिन कुछ उनके साथ कैवियट्स उसके साथ हैं जैसे कि पहला कैवियट ये है कि इट विल बी अलाउड ओनली टॉइस अ वीक मंडे एंड थर्सडे को अलाउ किया जाएगा और वो आठ बजे से छः बजे शाम तक ही अलाउ किया जाएगा मंडे थर्सडे टॉइस अ वीक पहली चीज सेकेंड यह है कि ये जो ओनली दोज वेसल्स विच आर रजिस्टर्ड अंडर द मेरीन फिशिंग रेगुलेशन लॉ वुड बी अलाउड टू डू द पर्स सीन फिशिंग पर्स इन फिशिंग बहुत न्यूज में रहा है क्वेश्चन आ सकता है उसमें वैसे गोल गोल ऐसे नेट डालते हैं ना वही वाला रीजन है ठीक है ना

पहुँचता है इंडिया बैक्स ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एंड टू डॉक्यूमेंट्रीज तो दो डॉक्यूमेंट्री और सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग हो गया आर 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 का और ऑल दैट ब्रीथ्स और एलिफेंट विस्परर्स ये दो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री सेक्शन शॉर्ट कैटेगरीज में हमारे यहाँ नॉमिनेटेड अब देखते हैं कुछ अवार्ड मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है ना हम ये सॉफ्ट पावर को वो करता है आगे मूव करते हैं आर्किटेक्ट बीवी वी दोषी पास डवे बी दोषी जी बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे इंडिया के एंड वो ली कारबूजियर uh, मतलब उनके साथ काम किया है लुइस कहान के साथ काम किया है एंड uh, इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया टू बी अवॉर्डेड द प्रिट्सगर प्राइज़ याद रखिएगा प्रिट्सगर प्राइज पाने वाले पहले इंडियन थे इंडियन आर्किटेक्ट थे एंड प्रिट्सर प्राइज नोबेल ऑफ द आर्किटेक्ट कहा जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है इसको तो दैट इज़ द थिंग विच इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल इसको याद रखेगा सो दैट इज़ इट for the day friends keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day